शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको लेकर हम अपनी उन्नति को आगे बढ़ा सकते हैं। मुंबई में जहां मैं रहता हूं, वहां पर बच्चे शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित है। बीएमसी ने स्कूल तो खोला है पर साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट है पर पानी नहीं है, पंखे है पर बिजली नहीं है, बच्चे है पर टीचर नहीं है। इसी वजह से उस स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो मुझे बताइए, आप वापस क्यों आए स्कूल से? स्कूल में दर दिन टीचर ही नहीं आते थे, बैठ के क्या करूँ बच्चों को। तो कितने दिनों से आपके इसके सर नहीं आ रहे हैं? 4-5 दिन हो गए, मैं वापस ही लेके जाती हूँ, टीचर ही नहीं आते। जरा आते 5 मिनट बैठते, कोई नहीं रहेगा तो वापस लेके जाना पड़ता है। 100 रुपये फी देते, शिक्षण का नीट नहीं घेतना है। खाली पेपर के टाइम खाली सही है, 1-15 दिन पढ़ाई हो जाती, पेपर दे देते। अब बच्चे पढ़े भी नहीं भी पढ़े तो पास कर देते, बस हो गया उनका। ये है साठे नगर और लल्लू भाई कंपाउंड का स्कूल है। इस स्कूल में प्राइवेट स्कूल भी चलता है। इस प्राइवेट स्कूल ने पिछले 4 साल का पानी और बिजली का किराया बीएमसी को नहीं दिया है, इसीलिए बीएमसी ने पानी और बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया है। बच्चा अच्छा बोले, तुम्हें मैं बाथरूम ला कुठे जाता हूँ? पीने से पानी, टॉयलेट है स्कूल में? टॉयलेट है लेकिन पानी नहीं है तो बिल्कुल जरा भी नहीं है। बिजली नहीं होने की वजह से बच्चे गर्मी में ही पढ़ाई करते है। तुमसे सर का बोलत नहीं करते? बिल नहीं भरला म्हणून पंखा लाइट नाही, कोई संदेश भरेला है, सब सिर्फ साफ नहीं करता। तो फिर वहाँ के जो साफ सफाई कर्मचारी है वो क्या करते है? उधर कोई नहीं है भाई, कर्मचारी ही नहीं है उधर। ये लोग के स्कूल के बच्चे लोग झाड़ू मारते हैं। अगर सरकार उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा के देगी तो बच्चे स्कूल के प्रति कभी रुचि नहीं रखेंगे। सरकार ने उनको स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा के देनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके और अपना भविष्य उज्जवल कर सके। मुंबई से अमोल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।